हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेंस। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेंस आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ पर मिलने वाले सभी वीडियोस आपके लिए 100% फ्री है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि आपको दो वीडियो दिखाएं और उससे कनेक्टेड वीडियो देखने के लिए हम आपसे बोले कि आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आप जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं इनको जब चाहें जितनी बार चाहें आप 100% फ्री देख सकते हैं। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। ये हमारी बुक है आरोह भाग 2 के गद्य खंड का अध्याय है 14, पहलवान की ढोलक। अब ये यहाँ पर बताया गया है कि भाई पहलवानी किस तरीके से हुआ करती थी, तो इसे पहलवान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और उसको कैसे पूरा राशि ठाट बाट रहा और फिर जब पहलवानी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए गए तो उसकी क्या अपनी खुद की कंडीशन हो गई। तो बहुत ही एक टची स्टोरी है जिसे हमने पढ़ा था, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसका NCERT सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन सभी कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने जा रहे हैं MCQs। अच्छा, MCQs क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे हमारे एग्ज़ाम में MCQs पूछे जाएंगे, तो उसको प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। MCQs दो तरीके से आएंगे, एक है गद्यांश आधारित और दूसरा है संपूर्ण पाठ आधारित। गद्यांश आधारित में कहानी का कोई भी एक गद्य पोर्शन हमको दे दिया जाएगा, यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और वो उस पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है संपूर्ण पाठ आधारित, मतलब जिसमें आपके कवि परिचय, काव्यगत विशेषताएं, आपको संपूर्ण पाठ, पाठ में आने वाली पंक्तियों के आश्रय, उनके अर्थ, तो सभी कुछ पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस पाठ को हम लोग पढ़ के फिर MCQs करेंगे। तो शुरू करें। तो आज का हमारा जो पहला शुरू हो रहा है, पहला प्रश्न, वो है गद्यांश आधारित प्रश्न पे, यानी कि सबसे पहले हम एक गद्यांश पढ़ेंगे फिर उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला गद्यांश हमारे पास क्या आ रहा है? शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग में सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोहों के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर लिया। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकार की भर कर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से ही घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो यहाँ पर शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध जो पहलवान था चांद सिंह, उसके बारे में बताया गया है। क्या दिया है इस पे आधारित प्रश्न क्या है? शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का क्या नाम था? बादल सिंह, सूरज सिंह, तारा सिंह या चांद सिंह? तो क्या नाम था उसका? चांद सिंह नाम था। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? हवा सिंह, बादल सिंह, श्याम सिंह या अभिजीत सिंह? तो क्या नाम था उसका? बादल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गद्यांश में आए देसी पहलवान से क्या अभिप्राय है? देसी पहलवान किन के लिए बोला गया है? अन्य प्रांत से आए पहलवान, उसी प्रांत से आए पहलवान, गांवों से आए पहलवान या शहरों से आए पहलवान? तो देसी पहलवान बोला गया है जो गांवों से आए हुए पहलवान होते हैं उनके लिए। शेर के बच्चे की उपाधि उसे कैसे प्राप्त हुई? मतलब चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे प्राप्त हुई? शेर की तरह दहाड़ने से, अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर, अपनी शारीरिक बनावट से, अपने जुझारू स्वभाव से। तो उसे शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त हुई थी अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर, तब उसे वो उपाधि प्राप्त हुई थी। अपने टाइटल की प्रामाणिकता की सिद्ध करने के लिए वह क्या करता था? उसका टाइटल था शेर के बच्चे, तो उस टाइटल को वो प्रमाणित करने के लिए कि हाँ मेरा नाम ऐसा है, इसको करने के लिए वो क्या करता रहता था? रोज कुश्ती का अभ्यास करता था, बीच बीच में जंगल घूमने जाता था, रोज पहलवानों से दो दो हाथ करता था, बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। तो वो क्या करता था? अपने टाइटल को प्रमाणित करने के लिए वो बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। अब आते हैं हम अपने दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश क्या है? शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ऐ मरा मरा, पर वाहरे बहादुर लुटन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुटन को अपने पास बुलवाया और समझाया।
अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर आओ। तो अब क्या था, लुट्टन पहलवान जो है वो शेर के बच्चे से भिड़ गया था चांद सिंह से। अब भाई ये तो नौसिखिया था लुट्टन पहलवान, तो अब यही हुआ था कि सारी पब्लिक कह रही मरा मरा मरा, लेकिन राजा साहब ने उसे रुकवाया कि रुक जाओ, अभी नहीं लड़ो, लो ये 10 रुपए, जाओ मेला घूम कर आओ। वो नहीं चाहते थे कि शेर के बच्चे से कोई भी मरे या पिटे इस तरीके से। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है, शांत भीड़ में खलबली क्यों मच गई थी? चांद सिंह द्वारा लिट्टन सिंह को झपट कर दबोच लेने के कारण, राजा द्वारा कुश्ती ना करने का आदेश देने के कारण, भीड़ की उपद्रवियों में घुस आने के कारण, या उपरोक्त सभी? तो क्या हुआ था, हुआ था ये कि चांद सिंह द्वारा लुट्टन सिंह को झपट कर दबोच लिया गया था, इसीलिए पूरी जो शांत भीड़ थी उसमें एकदम खलबली मच गई थी। राजा ने किसे अपने पास बुलाया, किसको बुलाया था, चांद सिंह, बादल सिंह, लुट्टन सिंह, या भीड़ से एक व्यक्ति को? तो किसको बुलाया था, वो बुलाया था लुट्टन सिंह को। पर वाह रे बहादुर, पंक्ति में बहादुर शब्द किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है? पर वाह रे बहादुर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये लुट्टन सिंह पहलवान, चांद सिंह पहलवान, राजा साहब, या मैनेजर साहब? तो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है लुट्टन सिंह पहलवान के लिए, क्योंकि उसे जो है चांद सिंह ने दबोच लिया था, लेकिन तब भी वो पलट के अपने आप को उससे छुड़ा लेता है। राजा साहब ने लुट्टन सिंह की प्रशंसा क्यों की थी, किस लिए प्रशंसा करी थी? क्योंकि उसने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दी थी, क्योंकि उसने गांव के लोगों की सहायता की थी, क्योंकि उसने अपने परिवार को संभाला था, क्योंकि उसने कुश्ती के लिए संघर्ष किया था। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या है आपका, क्योंकि उसने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दी थी, इसलिए राजा साहब ने उसकी प्रशंसा की थी। राजा द्वारा लुट्टन सिंह को 10 रुपए का नोट देकर मेला देखकर घर जाने को कहने के पीछे क्या कारण था? क्यों उन्होंने भाई कुश्ती चल रही थी रुकवाई, फिर लुट्टन सिंह को बुलाया और उसको 10 का नोट का दिया और कहा जाओ भाई मेला घूमो और घर चले जाओ, ऐसा राजा साहब ने क्यों किया था? कुश्ती लड़ने के लिए तैयार करना था उसको, इसलिए कुश्ती लड़ने से मना करना था, इसलिए कुश्ती की प्रतियोगिता हार जाना या कुश्ती की प्रतियोगिता जीत जाना? तो राजा साहब ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उसे कुश्ती लड़ने से मना करना चाहते थे कि तुम मत लड़ो, क्योंकि वो बहुत बहादुर था, चांद सिंह अभी तक इतने लोगों को परास्त कर चुका था, तो दूसरे उससे ना पराजित हुए इस वजह से उन्होंने रोकने के लिए ऐसा किया था। अब आते हैं हम अपने अगले गद्यांश पे। अगला गद्यांश क्या दिया गया है, दोनों ही लड़के राजदरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। यहाँ दोनों लड़के किसके, लुट्टन सिंह के दोनों ही पुत्र थे। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों को कसरत करवाता, दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, हाँ अगर मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है, समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ, दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। तो वो अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा प्रदान कर रहा था लुट्टन पहलवान, ये इस गद्यांश में बताया गया है। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, राज दरबार का भावी पहलवान किसे घोषित किया जा चुका था, किसको राजमहल का जो है पहलवान घोषित किया गया था, लुट्टन सिंह को, चांद सिंह को, बादल सिंह को, लुट्टन पहलवान के दोनों लड़कों को? तो किसे घोषित किया गया था, वो थे लुट्टन पहलवान के दोनों लड़कों को भावी पहलवान, क्योंकि अभी तो लुट्टन था राजशाही परिवार का से पहलवान, लेकिन अब उसके आगे कौन बनता, तो वो उसके दोनों लड़कों को घोषित किया गया था। पहलवान के बेटों का भरण पोषण राज दरबार में होने का क्या कारण था, क्यों राज दरबार में उनका भरण पोषण हो रहा था, उनके पिता का दरबारी पहलवान होना, जनता की इच्छा शक्ति, समाज के उच्च अधिकारी के पुत्र होना, या समाज का विशेष लगाव, कारण क्या था, क्यों हो रहा था, क्योंकि उनके पिता अर्थात लुट्टन पहलवान जो है वो दरबारी पहलवान थे, इसलिए उनके पूरे परिवार का भरण पोषण ही कहाँ होता था, राज दरबार में ही होता था।
पहलवान अपने बेटों को क्या शिक्षा देता था, क्या शिक्षा दी है उन्होंने? पहलवानी की, स्वामी भक्ति की, ढोलक का सम्मान करने की या उपरोक्त सभी? तो उन्होंने क्या शिक्षा दी थी? वो शिक्षा दी थी उपरोक्त सभी, यानी पहलवानी भी बताता था, स्वामी भक्ति भी करता था और ढोलक का सम्मान कैसे करना है ये भी बताता था। राजा साहब ने पहलवान को दरबार में किस कारण से रखा था, क्यों उन्होंने पहलवान को दरबार में रखा था? शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटाने के कारण, उसके ढोलक बजाने के ढंग से प्रभावित होने के कारण, लोगों द्वारा आग्रह करने पर, अपने सैनिकों को पहलवानी सिखाने के कारण। तो राजा साहब ने लुटन सिंह को अपने दरबार में ऐसे पहलवान रख लिया था। तो क्यों रखा था? क्योंकि जो है लुटन सिंह ने शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल, वो चांद सिंह को जिससे पूरा ही प्रांत के जो जितने भी देशी पहलवान थे सभी को हरा दिया था, उस चांद सिंह को लुटन सिंह ने पराजित कर दिया। तो राजा साहब बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने राज दरबारी पहलवान में शामिल कर लिया था। गांवों में अखाड़े समाप्त होते जाने का क्या कारण हो सकता है? अब जो है ना गांवों में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो रहा है? राज दरबारों में पहलवानी की उपेक्षा करना, समाज के लोगों द्वारा उसकी उपेक्षा करना, मनोरंजन के अन्य साधन तलाशना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है ये सभी कारण हैं। क्यों? अब ये जो है ना पहलवानी, जो पहले पहले अखाड़े लगते थे, दंगल लगते थे, अब वो बहुत हद तक ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दरबारों में पहलवानी की उपेक्षा करी जा रही है, समाज के लोग अब इसकी उपेक्षा करने लगे, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। और इंटरटेनमेंट का जो पहले एक साधन हुआ करता था, अब बहुत सारे अलग साधन भी इंटरटेनमेंट के हो गए हैं, इसलिए ये हो रहा है। अब आते हैं हमारे चौथे गद्यांश पे, क्या है? रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव में अर्धमृत औषधि उपचार पंथ विहीन प्राणियों में यह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी ये कि सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं रहती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो जब महामारी फैली थी तो जो लुटन सिंह अपनी ढोलक बजाता था गांव में, तो वो सभी लोगों को कोई ना कोई शक्ति प्रदान करता था, आंतरिक शक्ति देता था, क्योंकि भाई वो रोगों से तो नहीं लड़ने सिखा रही थी, लेकिन इंसान के अंदर की जो हिम्मत थी वो उसको बढ़ा रही थी। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्या है? पहलवान की ढोलक में किस बीमारी को रोकने की शक्ति थी? तो उसमें तो बताया कि वो कोई भी बीमारी नहीं रोक सकता, तो कौन सी होगी इसमें? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई बीमारी रोकने की शक्ति उसकी ढोलक में नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, गांवों के वासियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम किसने किया? कौन करता था संजीवनी भरने का कार्य? राजा ने, पहलवान ने, पहलवान की ढोलक ने या वैद्य जनों ने? तो कौन करता था? जब पहलवान ढोलक बजाता था तो पूरे गाँव में संजीवनी जो है वो दौड़ जाया करती थी, तो पहलवान की ढोलक ये कार्य करती थी। नेक्स्ट आते हैं, गांव के बच्चे बूढ़े जवानों को पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनते ही क्या याद आ जाता था? जब वो ये सारी चीज़ें सुनते थे तो क्या याद आता था? दंगल का दृश्य, मृत्यु का भय, राजा की दयालुता या रात्रि का अंधकार? तो जब ढोलक बजती थी तो सभी को जो है वो दंगल का दृश्य याद आ जाया करता था। ढोलक की आवाज़ को सुनकर बिना किसी तकलीफ के अपने प्राण कौन त्याग देता था? कौन अपने प्राणों को त्याग दिया करता था? लुटन सिंह, चांद सिंह, मरता हुआ व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति? तो सभी माँ बीमारी से थे, तो जो है ना जहाँ वो ढोलक की आवाज़ से लोगों को कम तकलीफ होती थी मरने के लिए, तो जो अपने प्राण त्यागते थे वो कौन होता था? मरता हुआ व्यक्ति। गाँव के लोगों की कैसी स्थिति थी? अर्धमृत, औषधि उपचार पथ विहीन, का और खा और संतोषजनक? तो यहाँ पर दोनों ही का और खा हमारे सही हैं, अर्धमृत और औषधि उपचार पंथ विहीन, तो इसलिए यहाँ पर का और खा दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। अब इस प्रश्न के साथ जो है हमारे जो गद्यांश आधारित प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे आ रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न।
इसको देखेंगे। तो क्या है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि मृत गांव में किसकी आवाज से संजीवनी शक्ति का प्रभाव हो जाता था। पहलवान की ढोलक की आवाज से, पहलवान की आवाज से, रात्रि कालीन पशु पक्षियों की आवाज से, या दंगल की आवाज से। तो क्या होता था, वो होता था सभी संजीवनी शक्ति का प्रभाव होता था पहलवान की ढोलक की आवाज से। लुट्टन सिंह पहलवान की पहलवानी की सीमा कहाँ तक थी, कहाँ तक सीमा बताई गई है, जिले की सीमा तक, राज्य की सीमा तक, पहलवान के घर तक, पूरे देश की सीमा तक। तो वो क्या बताई गई है सीमा, वो है राज्य की सीमा तक, जहाँ तक राजा जी का राज्य था वहाँ तक उसके पहलवानी की चर्चे थे। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह अर्थात शेर के बच्चे को कुश्ती के लिए चुनौती क्यों दी थी, क्या कारण था उसे चुनौती दी, क्योंकि वह बचपन से अनाथ था, बचपन से सास के पास रहता था, अतः वह उनके लिए कुछ करना चाहता था, गांव वाले उसे किसी न किसी बात पर परेशान करते थे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन थे जिसने उसको पहलवानी करने के लिए जो है प्रेरित किया था कि भाई वो चांद सिंह को हरा देगा, तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हुई थी वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से बदला ले लेगा। तो ये सभी कारण थे उसको जो है पहलवानी के लिए प्रेरित करने के लिए। पहलवान की ढोलक पाठ में लुट्टन सिंह मेले में चांद सिंह से लड़ने की जिद क्यों करता है, क्यों करता है, अपनी पहलवानी दिखाने के लिए, जवानी की मस्ती दिखाने के लिए, चांद सिंह को हराने के लिए, या अहंकार के लिए। तो वो क्यों जिद करता है, वो करता है अपनी पहलवानी को दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत बड़ा पहलवान हूँ। लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था, कहाँ पर हराया था, रामनगर के, प्रेमनगर के, श्यामनगर के, या कृष्णनगर के। तो जहाँ के दंगल में हराया था वो था आपका श्यामनगर का दंगल। लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती करी, किससे अनुमति ली थी, पंचायत की, अपने गुरु की, अपनी सास की, या राजा साहब की। तो उसने कुश्ती शुरू करी थी राजा साहब की, राजा साहब मना कर रहे थे पहले, लेकिन बाद में वो अनुमति लेके उनसे लड़ने लगता है। पहलवान की ढोलक पाठ में चांद सिंह को शेर का बच्चा क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के सभी लोगों को दंगल में पछाड़ने के कारण, सुंदर वाचन अंग प्रत्यंग के कारण, अपने गुरु से लड़ने के कारण, पहलवान से हारने के कारण। तो क्यों चांद सिंह को शेर का बच्चा कहा गया, क्योंकि उसने जो है पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के सभी को दंगल में पछाड़ दिया था, इसीलिए उसे शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त हुई थी। राजा साहब का नाम क्या था, अब जिस राजा साहब की बात हो रही है इसमें उनका नाम क्या था, कृष्णनंद, परमानंद, श्यामानंद, या रामनंद। तो यहां पर जो था उनका नाम वो था श्यामानंद। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को दरबार में रखने की बात क्यों कर रहे थे, क्यों वो चाहते थे कि लुट्टन सिंह उनके दरबार में रहे आके, दंगल में उसकी बहादुरी के कारण, उसके नाम के कारण, उससे मित्रता के संबंध के कारण, या उपरोक्त सभी। तो वो इसलिए लड़ करना चाहते थे क्योंकि दंगल ने उसमें अपनी बहादुरी दिखाई थी। चांद सिंह की हार से सबसे दुखी कौन था, जब चांद सिंह हार गया था लुट्टन सिंह से, तो कौन सबसे ज्यादा दुखी था, मराठा, मीणा, पंजाबी, या डोंगरा। तो सबसे ज़्यादा कौन जो हैं वो दास थे, वे थे पंजाबी, जितने पंजाबी थे वो चांद सिंह के हारने से बहुत ही ज़्यादा दुखित हुए थे। राजा साहब ने लुट्टन सिंह को चांद सिंह से लड़ने की आज्ञा किन परिस्थितियों में दी थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि जब उन्होंने फिर अनुमति दी कि हाँ जाओ भाई लड़ लो, कौन सी परिस्थिति, विवश होकर, खुशी में, बलपूर्वक, या इनमें से कोई नहीं। वो विवश हो गए थे किससे, लुट्टन सिंह की मतलब बार बार रिक्वेस्ट करने, उनकी प्रार्थना करने से, जिद से वो विवश हो गए थे, और अंत में आकर वो परमिशन दे देते हैं। तो सही ऑप्शन क्या था, वो विवश होकर उन्होंने अनुमति दी थी। दंगल के अंत में राजा साहब ने लुट्टन पहलवान को गले से क्यों लगाया, क्यों उन्होंने उसको अपने गले से लगा लिया था, मिट्टी की लाज रखने के कारण, विनम्रता के कारण, दंगल हारने के कारण, राजा साहब की बात ना मानने के कारण। तो उन्होंने गले से लगाया था मिट्टी की लाज रखने, क्योंकि चांद सिंह जो था वो एक पंजाबी था, वो उनके प्रांत का नहीं था, और उनके यहाँ आकर इतने सारा अपने आप को सबसे ज़्यादा अभी उम्दा घोषित किया था। अब राजा साहब जो है बहुत खुश होते हैं जब उनके ही राज्य का एक पहलवान इतने बड़े पहलवान को हरा देता है, तो अर्थात उनकी मिट्टी का पहलवान था, यानी कि उसने अपनी मिट्टी की लाज रखी थी। इस बात से राजा साहब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं।
पहलवान लुटन सिंह दंगल जीतने के बाद राज दरबार का जीव रहा, पंक्ति का आश्रय है। ये पंक्ति का क्या मतलब हुआ, जीतने के बाद वो राज दरबार का जीव रहा। राज दरबार में सब उसका सम्मान करने लगे, राज दरबार में उसके लिए प्रेरणा स्रोत मानने लगे, दरबार के लोग उससे पहलवानी सीखने लगे। तो जीव रहा का तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब उसका राज दरबार में सम्मान हुआ, लोग उसे पहलवानी करने लगे और उसे अपना प्रेरणा का स्रोत भी मानने लगे थे। लुटन सिंह दंगल में क्यों नहीं लड़ पाता था, क्या कारण था कि वो पहले नहीं लड़ पाता था? कमजोर पहलवानी के कारण, हारने के डर से, राजा साहब द्वारा आज्ञा ना देने के कारण या मिलने के कारण? तो सही क्या था, वो इसलिए पहले नहीं लड़ पाता था क्योंकि राजा साहब ने उसे अनुमति नहीं दी थी। फिर वो जब बहुत रिक्वेस्ट करता है तो विवश होकर राजा साहब उसे अनुमति देते हैं और बाद में वो लड़ता है। पहले नहीं लड़ पाता तो क्योंकि राजा साहब को डर था कि उनके प्रदेश का कोई पहलवान चांद सिंह के सामने आ जाएगा तो वो मर जाएगा, इस वजह से वो किसी को अनुमति नहीं देते थे। पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार लुटन पहलवान ने राज दरबार में कितने वर्ष व्यतीत किए थे? जब तक राजा साहब जीवित रहे तब तक लुटन सिंह वहीं पे रहा, तो वो कितने साल तक रहा था? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? तो वो टोटल जो है वो रहा था 15 वर्ष तक राज दरबार में। पहलवान के पुत्रों को कसरत व सांसारिक ज्ञान की शिक्षा कौन देता था, कौन उनके पुत्रों को जो है वो कसरत कराता था और कौन सांसारिक ज्ञान देता था? स्वयं पहलवान, चांद सिंह, राज दरबारी या बादल सिंह? तो कौन करता था, स्वयं पहलवान, अर्थात स्वयं लुटन सिंह ही अपने पुत्रों को ये सारा ज्ञान दिया करता था। लुटन पहलवान का गुरु कौन था? भाई लुटन पहलवान ने किसको प्रेरणा मान के जो है अपनी पहलवानी करी थी? राजा, पहलवान का पुत्र, पहलवान की ढोलक या स्वयं पहलवान स्वयं? तो उसका गुरु था पहलवान की ढोलक, जो वो ढोलक बजाता था ना वही, उसने उसी को अपनी गुरु माना था और उसी की धुन पे वो पहलवानों को पटक दिया करता था। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा घात में पड़ा पहलवान भी, पंक्ति के अनुसार पहलवान किन परिवर्तनों की चपेट में पड़ा था, कौन से परिवर्तनों की चपेट में आ गया था पहलवान? राजा स्वर्ग सिधार गए, नए राजकुमार ने विलायत में आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया, दंगल की जगह घोड़े की रेस ने ले ली, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुए थे, 15 साल तक वो दरबारी पहलवान रहा, लेकिन जैसे ही राजा साहब की मृत्यु हुई उनका पुत्र विलायत से आया और उसने पूरे राज्य की कमान अपने हाथ में ली और उसे दंगल पसंद नहीं था, उसकी जगह उसका इंटरेस्ट था घोड़ों की रेस में, तो वहाँ पर अब उसकी जो है पहलवानी खत्म हो गई और उसे राजदरबार से निकाल दिया गया था। तो ये सारे परिवर्तनों के चपेट में जो है हमारे पहलवान यानी लुटन पहलवान आ गए थे। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि गांव के लोग किस बीमारी से पीड़ित थे, कौन सी बीमारी से पीड़ित थे? मलेरिया, हैजा, का और खा और प्लेग। तो जो बीमारी से पीड़ित थे वो था हमारा मलेरिया और हैजा दोनों ही। पहलवान के दोनों पुत्रों ने अपनी मृत्यु के दिन अपने पिता से किस ताल को बजाने की बात करी थी? तो जो महामारी फैली थी उसके चपेट में हमारे पहलवान के दोनों पुत्र भी आए थे और जिस दिन वो मरे उस दिन उन्होंने कौन सी ताल बजाने के लिए बोला था? उठा पटक दो वाला ताल, मत डरना वाला ताल, आज्ञा भिड़ वाला ताल या दांव काटो वाला ताल? तो उन्होंने जो ताल बजाने की रिक्वेस्ट की थी वो थी उठा पटक दो वाला ताल बजाने के लिए, उन्होंने बोला था कि ये ताल हमें आज आखिरी वक्त में आप सुना दीजिए। अब है प्रश्न संख्या 41, मरने से पूर्व लुटन सिंह शिष्यों से क्या कहा करते थे? अब जो महामारी उनके पुत्रों को निकल गई वही महामारी लुटन सिंह को भी निकल जाती है। जब वो मरने वाले थे तो उससे पहले वो अपने शिष्यों यानी गाँव के बच्चों को वो पहलवानी सिखाया करते थे, तो उन्होंने उनसे क्या कहा था? मेरे मरने पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना, मेरे लिए आंसू मत बहाना, मेरे लिए सारे क्रियाक्रम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चित्त नहीं लिटाना, यानी पीठ के बल नहीं निकालना, मुझे पेट के बल, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी से चित्त नहीं हुआ, मतलब हारा नहीं, हमेशा विजयी रहा हूं, तो मुझे चित्त कभी सुलाना नहीं, अर्थात पेट के बल ही लिटाना मेरी चिता पर। किन का क्रंदन सुनाई दे रहा था? जब चारों तरफ महामारी फैली थी तो किसका क्रंदन सुनाई देता था?
वो था कुत्तों का, बिल्लियों का, सियारों का या उल्लुओं का। तो किसका क्रंदन सुनाई देता था? वो था सियारों का क्रंदन सुनाई देता था। राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों कर रहे थे? जब राजा साहब जो है लुट्टन को राजदरबार ले आए, तो जो हमारे राजपुरोहित थे उस राज के और मैनेजर थे, उन्होंने लुट्टन का विरोध किया। कारण क्या था? क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि लुट्टन ने उनका कहना नहीं माना, क्योंकि लुट्टन कमज़ोर पहलवान था, क्योंकि लुट्टन ने चांद सिंह को हराया था। तो वो विरोध कर रहे थे क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का क्या नाम है? अब ये जो पहलवान की ढोलक हमने कहानी पढ़ी, इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती या विष्णु खरे? तो इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? ये कहानी किस चीज का वर्णन कर रही है? लुट्टन पहलवान की गरीबी की, लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत की, लुट्टन की त्रासदी की या लुट्टन की निराशा की? तो यहाँ पर ये पूरी ही कहानी लुट्टन की जिजीविषा और हिम्मत की बात, यानी कि उसकी ताकत और हिम्मत की बात करती है, उसके अंदर की इच्छा और हिम्मत उसको पूरा करने की, इसका बयां जो है हमें इस पूरी कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक हमें मिलता है। लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? वो कितना छोटा था जब वो अनाथ हो गया था? उसके माँ बाप दोनों ही जो है मर गए थे। 7 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में या 9 वर्ष की आयु में? तो वो जब 9 वर्ष का था तो वो अनाथ हो गया था। किसने लुट्टन का लालन पोषण किया? मतलब अब क्या था, जो 9 वर्ष के आयु में उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, अब उसका लालन पालन किसने किया था? बुआ ने, सास ने, मौसी ने या नानी ने? तो किसने किया था? उसकी अपनी सास ने, वो सास ने जो है ना उसे पाला, बड़ा किया, सभी कुछ किया और उसे एक पहलवान जैसा बनाया। अभी गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? डेंगू, मलेरिया और हैजा, तपेदिक या मधुमेह? तो कौन सा रोग फैला था? वो था मलेरिया और हैजा। ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम, भय, निराशा या घबराहट? तो वो क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम करती। बचपन में लुट्टन क्या करता था? खेलता था, पढ़ता था, गायें चराता था या खेती करता था? बचपन में जब वो पहलवान नहीं था तब वो क्या करता था? तब वो जो है अपनी सासू माँ की गायें जो है वो चराने के लिए ले जाया करता था। इस प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। इसके अलावा हमने इस पाठ के जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन सभी कुछ रेडी करके आपको दिया हुआ है। ये सब आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर CBSE K-12 इंग्लिश लिखा है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने सारी क्लासेस होंगी। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपकी क्लास है 12th। आप इसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब आपको करना क्या है, अपनी बुक सेलेक्ट करनी है। आपकी बुक है आरोह, तो यहाँ पर आरोह जो दिया है हिंदी आरोह, इसे हम सिलेक्ट करेंगे वॉच नाउ पे। जैसे ही हम वॉच नाउ क्लिक करेंगे पूरी प्लेलिस्ट हमारे सामने होंगे सारे ही चैप्टर। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है बस उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे टॉपिक्स आपके सामने होंगे, आपको टॉपिक क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से अपने चैप्टर को समझिए, पढ़िए। टेस्ट हो, रिविज़न हो, एग्ज़ाम हो, बहुत अच्छे से आप सारा ही प्रिपरेशन यहाँ आकर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।